हेलो स्टूडेंट्स, आज है साइंस का सेकेंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने कवर किया था व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड देन वी स्टडी अबाउट हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब पढ़ेंगे इस लेक्चर में, मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड व्हाई वी नीड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन डालिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए पहला, व्हाई नीड केमिकल इक्वेशन बैलेंस। अब हमें जरूरत क्या पड़ी, जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी हुई थी उसे बैलेंस करने की क्या जरूरत पड़ी। यू स्टडी अबाउट लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, एंड इवन नो अबाउट इट। ओके, टेल्स इन कमेंट व्हाट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, केयरफुली लिसन केयरफुली, मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इन केमिकल रिएक्शन। ओके, लिखिए रीजन, क्वेश्चन में लिखिए, आंसर में लिख लीजिए, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कैन नाइदर वी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का कहना है कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो भैया हमने जितना मास आपको दिया था रिएक्शन कराने के लिए, जब रिएक्शन आप कराइए, जब प्रोडक्ट मिले, मुझे उतना ही अमाउंट में प्रोडक्ट मिलना चाहिए। मास कंजर्वेशन का यही कहना है कि भैया ना ही तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए ना ही कम। तो मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ना ही यूनिवर्स में मास को क्रिएट किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन कराते समय, और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। जितना अमाउंट आपको रिएक्टेंट के फॉर्म में दिया गया है, माना ये रिएक्टेंट है, ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत ही लॉजिक वाली बात बताने जा रहा हूँ, एक बार याद आ गया कभी भूलेंगे नहीं। माना ये रिएक्टेंट है कोई, रिएक्टेंट का अमाउंट मैंने आपको 100 kg दिया। जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, ध्यान दीजिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं आप, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा, तो प्रोडक्ट का अमाउंट भी 100 kg ही रहना चाहिए। यही कहना है उसका, भैया जितना हमने दिया है उतना ही हमें चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। तो चलिए लिख लेते हैं इक्वेशन एक और उसे बैलेंस करते हैं। जो आपके बुक्स में दी गई है वही लिखते हैं, इक्वेशन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। ध्यान दीजिए बेटा, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, उसने कहा भैया जितने मोल हमने यहाँ पे Mg के दिए थे, एक दिया था ऑक्सीजन का, दो दिया था, तो मैं बैलेंस करके दिखा दो, या फिर तुम इनसे हमसे अमाउंट में ज़्यादा ले लो लेकिन बैलेंस कर दो, सिर्फ बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। अगर यहाँ पर बैलेंस करना चाह रहे हैं, देखिए Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। सेकेंड इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, 2 Mg प्लस
ओ टू गिव्स टू एम जी ओ, लिख लीजिए बेटा नोट्स, ये टू लिखा हुआ है बेटा, टू लिखा हुआ है, नोट्स बनाते चलना है, एक एक पॉइंट आपको समझाते चलूँगा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या, एक हमारे पास मोलिकुल्स था एम जी का, और 1 पॉइंट यानी कि 2, 1.2 का मतलब क्या, तो 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 होता है इंटू 2, इस तरीके से बन आ जाएगा, या 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, 2 कैंसिल बन आ जाएगा। तो 1 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या 1 आपका एम जी का है और 1 किसका है ऑक्सीजन का है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स आपका किसका है, ध्यान दीजिए बेटा 2 मोल्स ऑफ एम जी का है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 एम, ये 2 रिस्पेक्ट दोनों के रिस्पेक्ट में रहेगा, 2 एम जी है और 2 ओ2 है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब बात करने जा रहे हैं आपके ये जो क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं पहले के, जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम को बर्न करने के इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो प्रेजेंस ऑफ एयर के बर्न करेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन आप लिख लेंगे, ये केमिकल रिएक्शन लिख जाएगी, फिर उसके बाद उसे बैलेंस कर देना बेटा, बस पहला क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा आपका। अब मैं बात करूँगा सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन की बेटा मैं बात करूंगा, सेकेंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है बेटा, ध्यान दीजिए केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, सेकेंड क्वेश्चन आपका केमिकल रिएक्शन लिखी है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्लोरीन गिव्स, वहां पे लिखा हाइड्रोजन क्लोरीन नहीं आएगा बेटा, ध्यान से देखिए यहां पे आएगा, जो आपका यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को मिलके जो आपका प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या फॉर्म बनेगा, जो हाइड्रोजन वहाँ पे लिख दिया गया है हाइड्रोजन क्लोरीन नहीं लिखना, जो बन के आएगा आपका क्या वहाँ पे लिखेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उन्होंने पूछा बेटा हमें बता दीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ आप इसकी मुझे केमिकल इक्वेशन बता दीजिए, तो केमिकल इक्वेशन ध्यान दीजिए केमिकल इक्वेशन क्या थी, वैन बी यूजिंग सिंबल्स आर फार्मूला एंड रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंट कीजिए हाइड्रोजन के लिए क्या था आपका हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के लिए क्या है सिंबल Cl2, फॉर्मेशन का आएगा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl का फॉर्मेशन होगा बेटा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, क्लोरीन कितनी है 2, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है क्लोरीन 1 है, तो बैलेंस कीजिए इक्वेशन को, बैलेंस कीजिए H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ये 2 दोनों के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन हो गए दो क्लोरीन हो गए, हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब टेंशन लेने की बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना जितने हमने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिए हुए हैं उतने हाइड्रोजन के हमें यहाँ पे चाहिए होंगे, जितना क्लोरीन यहाँ पे लिया है उतना क्लोरीन हमें इसमें चाहिए होगा, तो दोनों के मॉल्स जो है यूज़ कर रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए। सेकेंड आपका क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड, एक क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा केमिकल रिएक्शन लिख लीजिए, केमिकल रिएक्शन क्या है बेरियम
क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल एल्युमिनियम एल एम यू एन आई एल्युमिनियम एल्युमिनियम सल्फेट सल्फेट गिव्स गिव्स बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड गिव्स बेरियम लिख लीजिए यहाँ पर ही बेरियम सल्फेट सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड लिखा है बेटा, बुक से देख के लिख लीजिएगा, बस समझते चलिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि भैया जो केमिकल रिएक्शन आपको दे दी गई है, अब केमिकल रिएक्शन लिखिए इन बैलेंस फॉर्म में। पहले हम लिखते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन, बेरियम क्लोराइड फार्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिए, बी ए सी एल टू प्लस एल्युमिनियम सल्फेट ए एल टू एस ओ फोर का होल थ्राइज। अब बन क्या रहा है ध्यान दीजिए, बन रहा है बेरियम क्लोराइड BaCl3 प्लस नो बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड Al एल्युमिनियम AlCl3। अब बात करते हैं क्या बैलेंस है इक्वेशन, देख लीजिए बैलेंस की बात करते हैं, अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो चलिए यहाँ पे बेरियम बी का एक मोल है, क्लोरीन दो है, एल्युमिनियम दो है, सल्फर तीन है, और चार तीन बारह, थ्री फोर जा ट्वेल्व, ओके तो 12 ऑक्सीजन है, 3 सल्फर है, 2 एल्युमिनियम है, 2 क्लोरीन है और 1 बेरियम है। अब बात करते हैं कि बैलेंस कीजिए, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, 4 एल्युमिनियम 1, क्लोरीन 3, बैलेंस कीजिए बेटा। बैलेंस करते हैं, इस साइड में मोल्स बढ़ाने हैं हमें, उस साइड में भी मॉलिक्यूल्स बढ़ाने होंगे। चलिए बैलेंस करते हैं, अगर हम यहाँ पे 3 रख रहे हैं, 3SO4, तो 3 ये बैलेंस हो जाएगा और इतना ये बैलेंस हो जाएगा। ओके बेटा ध्यान दीजिए, 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 का थ्राइज गिव्स 3 BaSO4 प्लस 2 AlCl3। अब ध्यान दीजिए, देखिए Ba के कितने हैं 3, क्लोरीन 2 3 जा 6, एल्युमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12। पहले इधर देखिए 3 सल्फर 3 12 एल्युमिनियम 2 क्लोरीन 6, क्या बैलेंस है, बैलेंस हो गए इक्वेशन, बैलेंस हो गए इक्वेशन, लिख लीजिए बेटा, इरेज कर रहे हैं,
नेक्स्ट है आपका सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखिए अगली केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, केमिकल रिएक्शन लिखी है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन ओके। अब बात करते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन लिखने की। लिखिए केमिकल इक्वेशन इसकी क्या आएगी, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के बारे में देखिए, सोडियम का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, Na, Na। वाटर को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, H2O को लिखते हैं वाटर। गिब्स क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, साथ में मिलेगा हाइड्रोजन। बात करते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो रही है क्या, केमिकल इक्वेशन तो बट बेटा बैलेंस हो रही है, केमिकल इक्वेशन बेटा बैलेंस हो रही है। Na Na1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बट हाइड्रोजन इन फॉर्म H2 के फॉर्म में लिखा जाता है, इसीलिए बैलेंस करिए इसे 2 गैस फॉर्म में, ठीक है। Na प्लस 2 H2O गिव्स 2 NaOH, प्लस H2। ओके बेटा ध्यान देखिए, दो यहाँ पे सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना, 4 था, 2 और 2 4 हो गया, ये 2 हैं, इक्वल हो गई। अब जो लिखा हुआ है आपका अगला क्वेश्चन, उससे बताने से पहले कुछ आपको बताना इम्पॉर्टेंट है, तो आई थिंक यू नो डेट अबाउट डेट। टाइप्स ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर जो होता है कितनी स्टेट्स में, बेटा मैटर वो मत समझ लेना, कभी कभी कुछ कांड करते हैं देते हैं मैटर हो गया बेटा, तो वो मैटर नहीं, सबिस्टेंस जो पदार्थ होते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर, हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर और सबिस्टेंस, मटेरियल कितने स्टेट में, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, लिखिए थोड़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर और मटेरियल। देखिए 3 स्टेट्स होती हैं, पहली सोलिड, सेकेंड लिक्विड गैस। आई थिंक यू नो अबाउट डेट। ओके तो देखने को क्या क्या कहीं पे मिलता है, जब केमिकल इक्वेशन लिखी होती है इस तरीके से, कहीं पे देखिए बेटा केमिकल इक्वेशन इस तरीके से लिखी रहती है, सी या यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट लगा रहता है, एस लिखा होता है, फिर O2 लिखा होता है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा के जी लिख देते हैं, फिर गिव्स COG। तो इससे कन्फ्यूज होने की बात नहीं है बेटा, कन्फ्यूज डोंट वरी अबाउट डेट आई टेल यू। ओके जो एस सफिक्स में एस लिखा रहेगा उसका मीन्स होगा जो हमने रिएक्टेंट लिया है वो इन सॉलिड फॉर्म में होगा, और सेकेंड जब हमारा एल सफिक्स में लिखा रहेगा, एल लिखा होगा, तब लिक्विड फॉर्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा, जब एल जी लिखा होगा, तब गैस फॉर्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा। एक कंफ्यूजिंग बात है ये है, जब AQ लिखा होता है तो इसका क्या मतलब होता है, AQ लिखा होता है तब इसका मतलब क्या होता है, आई टेल यू। ओके
केयरफुली लिसन केयरफुली, ए क्यू फैन विद टेक वाटर प्लस, वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन, दिस टाइप सॉल्यूशन नोन एज एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन। तो व्हेन इन फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट यूज वाटर इन एनी सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इज वाटर इन एनी सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इज वाटर देन दिस सॉल्यूशन नोन एज एक्वा सॉल्यूशन। समझिए मेरी बात को, मैंने क्या बोला आपको। नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा, इन क्लास नाइन्थ यू स्टडी दिस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूट गिव्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। बेटा आपने पढ़ा होगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को जब मिक्स किया जाता है तो उससे बन के मिलता है हमें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट की जगह पे इन प्लेस ऑफ सॉल्वेंट बी यूज, इन प्लेस ऑफ सॉल्वेंट बी यूज वाटर, बी यूज वाटर, जब हम सॉल्वेंट की जगह पे वाटर को यूज करेंगे और सॉल्यूट कुछ भी रहे, सॉल्यूट कुछ भी रहे, ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे क्या कहेंगे, जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में इन फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट बी यूज वाटर, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका मतलब समझ में आ गया, एक्वस तो क्या होता है वहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन से लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस, और जो एक्वस सॉल्यूशन एक्टिव लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ओके मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, पढ़ो बेटा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राइट द बैलेंस केमिकल, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट, विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स। स्टेट सिंबल का मतलब समझ रहे, जो अभी मैंने स्टेट्स आपको बताई हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो जो भी मैटर की स्टेट्स हमने बताई हैं, जो आप वहाँ पे जो रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उनके सफिक्स, सफिक्स में, उनके सफिक्स में उनका डिनोशन, नोटेशन कर देना है कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है या फिर एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, ओके। तो पहले, अब तो पहले में लिखा हुआ ध्यान दीजिए बेटा, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो बेटा क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा, लिखा हुआ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन है, डिनोशन आगे केमिकल इक्वेशन में कर देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, बेरियम क्लो एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। बेटा बुक साथ में रखना, थोड़ा समझते चलना अगर नहीं समझ में आ रही है राइटिंग। सल्फेट गिव्स इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, बेरियम, बेरियम सल्फेट एंड प्लस सोडियम, सोडियम क्लोराइड, क्लो
राइट, ध्यान दीजिए बेटा, लिखा क्या हुआ है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट क्या है, इनसॉल्युबल, यहां पे लिख लीजिएगा इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मींस जो वाटर है उसमें उसमें मिक्स नहीं होगा, घुलेगा नहीं, ओके। अब बात करते हैं केमिकल, ये तो केमिकल रिएक्शन हो गई, इक्वेशन लिखिए बेटा, केमिकल इक्वेशन बेरियम क्लोराइड VaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट NaSO4, बेटा फार्मूला याद कर लीजिएगा देखकर, वरना मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं BaCl2 प्लस NaSO4 गिव्स NaSO4, दोनों वाटर में रिएक्ट कराए जा रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराए जा रहे हैं बेटा, दोनों का क्या रहेगा, एक्वा सोल्यूशन बोला है, एक्वा सोल्यूशन बोला है यहाँ पे, ओके। गिब्स क्या मिलेगा, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4 इनसॉल्युबल मीन्स इसकी स्टेट क्या रहेगी, इनसॉल्युबल रहेगा ना, उसमें स्टेट क्या रहेगी, ये सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड। अब वाटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका मिल रहा है, वाटर सॉल्यूशन किसका मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है हमें किसका, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का, लिखिए बेटा NaCl जब सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन में यूज़ क्या हुआ बेटा, वाटर, तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में होगा, तो AQ लिख देंगे, लेकिन ये नमक NaCl को बोलते हैं, नमक होता है इन सॉलिड फॉर्म में होता है, बट एक्वस सॉल्यूशन वहाँ पे यूज़ किया गया, तो सॉल्यूशन में है, तो सॉल्यूशन में हमें मिल रहा है, तो उसके लिए AQ डिनोट करेंगे, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, क्या इक्वेशन बैलेंस हो रही है, इक्वेशन को बैलेंस करने की बात कर लेते हैं, देखिए बेटा BA इक्वेशन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है, ओके इक्वेशन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है, सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा। अब देखिए बेटा इक्वेशन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है, 2 एक बेरियम है, 2 क्लोरीन है, सोडियम कितना है, 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे देखिए बेटा, अगर यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2A है, तो 2 NaCl, Ba कितना है, 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, Na2 है, Cl2 है, इक्वेशन बैलेंस हो रही है, अब अगली जो इक्वेशन है वो आप अपने आप लिखिए, और लिख के कमेंट में बताइए आपने कितने परसेंट तक समझ में आया, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे अच्छी तरीके, और इसी तरीके से कंटिन्यू क्लासेस आती रहेंगी। चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल, एक क्वेश्चन बचा है आपका, वो भी मैं करा दूंगा लेकिन नेक्स्ट टाइम पर, कुछ बच्चे हमें करके बताएंगे, देखें कितने परसेंट बच्चे सही कर पा रहे हैं, मैंने जो पढ़ाया समझ में आ रहा है या नहीं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, डालिए बेटा हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस, जो रिएक्शंस होता है उन्हें इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वही आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला टाइप है आपका कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्लास में देखिए कहते हैं भाई हम दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, ये चीज़ बना लेते हैं, आपस में एक ग्रुप में हो जाते हैं और कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपके कोई दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर किसी एक प्रोडक्ट पी को बनाएंगे, वैन टू आर मोर रिएक्टेंट रिएक्ट एंड प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट, दिस टाइप केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। अब ध्यान से देखिए बेटा, मैंने आपको एक हाइड्रोजन दे दिया प्लस क्लोरीन दे दी और कहा बेटा इनसे जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट कितने हैं दो, इनसे प्रोडक्ट जो मिलने वाला है HCl2HCl, तो यहाँ पर रिएक्टेंट कितने थे दो रिएक्टेंट रिएक्ट किए लेकिन प्रोडक्ट हमें कितना मिला
एक प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, रिएक्टेंट। दो से अधिक भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी, बता कम इन कम भी। When reactants are one or more reactants react and produce one product, this type equation is known as combination reaction. Combination reaction. चलिए definition लिख लीजिए। चलिए combination reaction. Combination रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेटा क्या है, ध्यान दीजिए बात को अच्छी तरीके से बताया। आप समझ लीजिए, फैन लिखिए, डिफिनेशन लिखिए, सॉरी डिफिनेशन लिखिए, वैन वैन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्टेंट रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट, दिस टाइप्स केमिकल reactions is known as combination combination chemical reaction reaction। एग्जाम्पल में लिख लीजिए बेटा, रिएक्शन H2+Cl2 गिव्स 2HCl और I2, दूसरी रिएक्शन लिख लिए ये H2+ गिव्स 2HI। थर्ड रिएक्शन एग्जाम्पल में लिख दीजिए CO+O2 गिव्स CO2। डंट वरी अबाउट दिस सफिक्स स्टेट, ये सॉलिड रहे, ये गैस जो होगी हाइड्रोजन गैस रहती है, गैस फॉर्म में होगा, क्लोरीन गैस फॉर्म में रहेगी, ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म गैस कार्बन सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन गैस फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म। ओके, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा, तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ इसी तरीके से, एक से इंटरेस्टिंग तरीके से भाई एडवांस लेवल तक का मैं पढ़ाऊंगा, पहले समझाया जाएगा फिर आपकी डिफिनीशन लिखाई जाएगी, देन कंटिन्यू करेंगे जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस रहेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप चैनल को, अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जो बताने वाला हूँ जो किसी अदर लेक्चर्स में या किसी और के द्वारा बनाए गए लेक्चर्स में नहीं मिलने वाली हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेक्चर को करते हैं एंड, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।